हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट बिस्किट्स बेकरी स्टाइल। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए मैंने लिया है बटर 250 ग्राम, बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब मैं बीटर की मदद से इसको बीट कर रही हूँ, साथ में मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है। ये देखिए, जब बटर हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक एग योक, यानी एक अंडे की सफ़ेदी, वो जर्दी सॉरी, एक योक डलेगी इसमें, एक बहुत इजी रेसिपी है और 100% रिजल्ट है इसका। जो लोग पाकिस्तान के हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये बिस्किट कितने मज़ेदार होते हैं, वो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अब मैंने इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस 1 टीस्पून, बस फिर अच्छी तरह इसको बीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बीटर ही यूज़ करें, अगर बीटर नहीं है तो आप विस्क से भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए हो गया है बीट अच्छी तरह। तो अब इसमें ऐड किया है, कर रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, बेकिंग में जो भी हम कुछ यूज़ करते हैं यानी बटर या एग, वो सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। अगर ऐसे ही आपने फ्रिज का निकाल के यूज़ कर लिया तो फिर 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसलिए पहले आप निकाल के उसको रख दीजिए बाहर, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद यूज़ कीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब ये देखिए, आइसिंग शुगर डालने के बाद उसको स्पैचुला से हम पहले मिक्स कर रहे हैं ताकि जब हम इसको बीट करें तो ये उड़े नहीं, मेस ना बने, ताकि मेसी हो जाता है बहुत ज़्यादा उड़ता है फिर, इसलिए थोड़ा सा पहले उसको स्पैचुला से मिक्स करके फिर अब उसको हम बीटर से बीट कर रहे हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, और अब बीटर का काम ख़त्म है, अब काम है हाथ का इसको, यानी मिक्स हम करेंगे हाथ से अपने। पहले इसमें 4 कप्स डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, तो मैं कर रही हूँ अभी।
मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे अब्बू इस तरह के बिस्किट बेकरी से लेके आया करते थे और हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। अब तो पता नहीं कि ऐसे बिस्किट्स आते हैं सही या नहीं, उस वक्त तो बहुत अच्छे आते थे ये बिस्किट। वो अब घर में ही मैं बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छे बनते हैं ये बिस्किट्स, 100% रिज़ल्ट आता है इसका। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्लेन फ्लावर यानी मैदा 4 टेबल स्पून, और अब बस इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये एक डो की तरह आ जाएगा, शक्ल इसकी देखिएगा अभी। और अब ये देखिए मैं बना के दिखा रही हूँ, इस तरह बॉल्स बनानी है इसकी। बस इसी तरह मैं सब बॉल्स बना लूँगी इसकी। थोड़ा सा हाथ में लेके इसको थोड़ा सा प्रेस करना है क्योंकि थोड़ा सा फ्लेकी होता है, उसको थोड़ा सा हम जब प्रेस करेंगे अपने हाथ में रख के तो फिर इसके हम बॉल बना लेंगे, तो ईजीली बॉल बन जाती है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको बॉल बना के। और ये देखिए बन गए ये बॉल बिल्कुल सही। बस इसी तरह मैं सारी बॉल्स बना लूंगी। एक और मैंने बना के दिखाई है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह बॉल्स बना बना के। एक ट्रे में किसी भी चीज़ में आप रख लीजिए क्योंकि अभी इसको हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन बनावर, ताकि ये क्योंकि इसमें बटर डाला है, ज़ाहिर है बटर यूज़ किया है, तो फ्रिज में रखने के बाद ये एकदम टाइट हो जाएंगे, ऐसे टूटेंगे नहीं। इसको हम बना के भी फ्रिज में रख देंगे वन आवर के लिए। देखिए सब बन गए, सब रेडी हो गए कोकोनट हमारी, जो बॉल्स अभी तो बॉल्स बनी है, बिस्किट तो उसके बाद में ही ज़ाहिर है बेक होंगे तो बिस्किट का शेप आ जाएगा। ये देखिए अब उस पर लगा दिया है मैंने बेकिंग ट्रे पे, कुकिंग पेपर लगा के बेकिंग ट्रे पे, और उस पर मैंने ये बॉल्स रख दी हैं। और अब हमने रख दिया इसको ओवन में 10 to 12 मिनट्स में। ये देखिए कितने अच्छे बेक हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।